पुणे से सटे पिंपरी चिंचोड़ की अंतर्राष्ट्रीय कलाकार ने एक अनोखा उपक्रम कर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। चाहे वो आर्टिसनल केक हो, कपकेक, कुकीज या फिर कस्टमाइज्ड थीम केक की बात हो, पुणे स्थित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की केक मेकर प्राची धवल देव के बनाए गए केक दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। उत्कृष्ट केक मेकर प्राची द्वारा बनाए गए केक की विशेषता उनके द्वारा खास अंदाज में बनाया गया रॉयल आइसिंग। रॉयल आइसिंग बेहद ही जटिल पाक कला है जिसमें प्राची ने महारत हासिल की है। इस कला को उन्होंने विश्व प्रसिद्ध केक मेकर आइकन सर एडी स्पेंस एमबी द्वारा यूनाइटेड किंगडम जाकर सीखा है। इस दिशा में हाल ही में प्राची ने एक नवीन उपलब्धि हासिल की। उन्होंने रॉयल आइसिंग बनाने के क्षेत्र में अपनी काबिलियत के दम पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है। ये सम्मान उनके द्वारा शाकाहारी सामग्री से बना 100 किलो का भव्य मिलान कैथेड्रल चर्च केक की रॉयल आइसिंग संरचना के लिए मिला है। दुनिया भर में ये स्मारक यानी भव्य मिलान कैथेड्रल चर्च सुंदरता एवं सौंदर्य शास्त्र का बेजोड़ प्रतीक है। प्राची ने बताया कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा इस उपलब्धि के लिए मुझे विशेष सम्मान मिलना बहुत मायने रखता है। ये मानो एक सपने जैसा ही है। इसे बनाने की प्लानिंग व तैयारी में बहुत समय लगा क्योंकि कैथेड्रल की रचना के लिए लगभग 1500 टुकड़ों की आवश्यकता थी। हर टुकड़े को मैंने ही अकेले तैयार किया और बाद में इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक ढांचे का रूप देने में मुझे लगभग एक महीने का समय लगा। इस संरचना की लंबाई 6 फीट 4 इंच, ऊंचाई 4 फीट 6 इंच और चौड़ाई 3 फीट 10 इंच है। आमतौर पर रॉयल आइसिंग के लिए पारंपरिक नुस्खे में अंडे का प्रयोग होता है, लेकिन इसे भारतीय बाजार में रुचिकर बनाने के लिए प्राची ने एक भारतीय कंपनी सुग्रीन के सहयोग से रॉयल आइसिंग संबंधी अंडा मुक्त व शाकाहारी उत्पाद विकसित किया और अब ये उत्पाद भारत के साथ साथ दुनिया भर में भी उपलब्ध है। प्राची धवल ने दुनिया भर के जाने माने कलात्मक संरचनाओं से प्रेरणा ली है तथा उन्हें अपने अपने केक के डिजाइन में बनाने का सफर प्रारंभ किया है। वे कहती हैं कि मैं हमेशा विक्टोरियन और यूरोपीय वास्तुकला की सुंदरता और लालित्य से सम्मोहित रही। किसी को भी इन स्मारक की भव्यता मंत्रमुग्ध कर देती है।